हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में दिन दहाड़े होने लगी चोरियां, ज्वेलर शोरूम में चोरों के हाथ की सफाई। बाड़मेर शहर में चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं और अज्ञात चोर सूने मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के साथ दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बाड़मेर शहर के नेहरू नगर से सामने आया है, जहां एक ज्वेलर्स की दुकान पर अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े 30 ग्राम सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। घटनाक्रम की भनक लगने पर पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित रिंकू सोनी के अनुसार दोपहर के समय वो खाना खाने घर गया था और दुकान पर उसके पिताजी बैठे थे। इस दौरान चांदी का ताबीज लेने आए दो युवकों ने सोने की पुरानी अंगूठियां फीने रखे स्टील के बॉक्स को पार कर लिया। पीड़ित रिंकू सोनी के अनुसार जब शाम को घर जाने के वक्त स्टील का बॉक्स गायब मिला तो दुकान में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें चांदी का ताबीज लेने आए युवकों द्वारा वारदात की गई घटना सामने आई, जिसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम के सामने आने और सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए चोरों के वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सर, मेरा नाम त्रिलोक चंद सोनी उर्फ रिंकू सोनी है। मेरी दुकान सर नेहरू नगर स्थित है, जगदम्बा माता मंदिर के पास में। मेरी दुकान का नाम है विश्वास ज्वेलर्स। इस दुकान पे मैं और मेरे पिताजी दोनों बैठते हैं और मैं दोपहर को लगभग 1:30 बजे घर पे खाना खाने के लिए गया। थोड़ा घर पे काम अधिक होने के कारण घर पे रुक गया मैं, और फिर पीछे दो ग्राहक आए, उन्होंने बोला भाई हमको एक चांदी का ताबीज लेना है। तो पापा यूँ उनको कुछ दिखाते भी नहीं है, पर वो जब भी पास में होने के कारण पापा ने बोला भाई मैं दिखा देता हूँ। वो ताबीज दिखाया और उन्होंने पापा को बातों मतलब उलझा दिया, गुमराह कर दिया। और उन्होंने पीछे एक बंदा इस साइड बैठा था, उसने वो डब्बी यहाँ पे रखी थी जिसमें पुरानी नोज पिन है और दो सोने की अंगूठियाँ थी, वो भी पुरानी थी, और कुछ एक दो बालियाँ वगैरह यूँ करके लगभग 27-30 ग्राम सोने का आइटम था उस डब्बी के अंदर। स्टील की छोटी डब्बी थी इतनी, वो डब्बी यहाँ पे पड़ी थी इस जगह पे, और यहाँ से उठा के उसने अपने बैग में डाल दी। और पापा इधर, उनको पता नहीं चला कि भाई ये यहाँ पीछे क्या हो गया। घटना कब की आपको, कब पता चला? मेरे को ये घटना सर शाम को लगभग 8 बजे जब हम दुकान ऑफ कर रहे थे, तब हमारे वापस थैले पैक कर रहे थे, तब हमको पता चला कि भाई एक डब्बी हमारी दुकान से गायब है। तो हमने सब चेक किया, इधर उधर देखा तो डब्बी नहीं मिली। तो हमने फिर वापस सीसीटीवी कैमरे में चेक किया, तो सीसीटीवी कैमरे में हमको मालूम चला कि दोपहर को 2:24 पे दो बंदे आए थे जो चांदी का मादलिया लेने आए थे ताबीज, वही बंदा उनमें से एक बंदा लेके गया। कितनी चोरी हुई, अनुमानित कितनी है? अनुमानित सर 1,30,000 के आसपास चोरी हुई है ये। अच्छा, आपने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी? हाँ, हम गए थे CI साहब के पास, गए थे राम प्रताप जी के पास, उन्होंने बोला हम आपके जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर लेंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।